कोरोना पश्चात के वैश्विक निर्यात बाजार का रुख तेजी से बदलता दिख रहा है। पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में जिन वस्तुओं की सबसे अधिक मांग दिख रही थी उनमें सुस्ती आई है। वहीं पिछले वर्ष जिन वस्तुओं की मांग न गढ़ने थी उनकी सबसे अधिक मांग दिख रही है। यही वजह है कि इस वर्ष अक्टूबर में दवा के निर्यात में पिछले वर्ष समान अवधि के मुकाबले लगभग 0.91% की गिरावट आई है। पिछले वित्त वर्ष में दवा और कृषि पदार्थों की वैश्विक मांग से ही भारतीय निर्यात की सांख बच पाई थी। इस वर्ष अक्टूबर में इंजीनियरिंग गुड्स के निर्यात में पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले 50.70% और जेम्स और ज्वेलरी के निर्यात में 44.24% की बढ़ोतरी रही है। पिछले वित्त वर्ष में इन दोनों ही वस्तुओं की मांग काफी कम हो गई थी। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष में दवा के निर्यात में 23.52% की बढ़ोतरी रही थी, लेकिन चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही अप्रैल से सितंबर 2021 में दवा के निर्यात में मात्र 1.30% की बढ़ोतरी रही, जबकि इस अवधि में वस्तुओं का कुल निर्यात 57% तक चढ़ा है। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में चावल के निर्यात में 12.27% का इजाफा रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की में ही समान अवधि में 37% रहा था। वहीं पिछले साल कोरोना काल में मसालों के निर्यात में 10% से अधिक की बढ़ोतरी रही, लेकिन इस साल अप्रैल से सितंबर में मसालों का निर्यात सिर्फ 4.73% की गति से ही बढ़ा है। इसके विपरीत कोरोना काल में नकारात्मक बढ़ोतरी की श्रेणी में आने वाली वस्तुओं की वैश्विक बाजार में अब भारी मांग चल रही है। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के मुताबिक इस साल अप्रैल सितंबर में जेम्स ज्वेलरी के निर्यात में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 122.06% का इजाफा रहा। इस अवधि में इंजीनियरिंग गुड्स के निर्यात में 61.48%, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में 60.70% तो वहीं रेडीमेड गारमेंट के निर्यात में 53.22% की बढ़ोतरी रही। पिछले वित्त वर्ष में जेम्स ज्वेलरी के निर्यात में 27.52%, इंजीनियरिंग गुड्स में 2.64% और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में 5.02% की गिरावट दर्ज की गई थी। निर्यातकों के अनुसार वस्तु निर्यात के बड़े लक्ष्य को मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े आइटम के निर्यात में बढ़ोतरी से ही हासिल किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।